कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह में दुर्ग भिलाई को मिलाकर मुट्ठी भर कांग्रेसियों ने अपना विरोध जताया। काला धन के बात करीस, काला धन आ जाही सौ दिन में, ओकर बाद एक एक के खाता में 15-15 लाख दे के बात करी, 2 करोड़ रोजगार दे के बात करी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज 9 साल में 18 करोड़ हमर युवा मन ला रोजगार मिल जाना है। महंगाई कम करे के बात करी, पेट्रोल डीजल ला 50 रुपये से कम कर देवे बोली, रसोई गैस के भाव 400 रुपये रहीस तेला 300-250 करबो, ये बीजेपी वाले मन वादा करे रही। और ये झूठ बोल के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा के मन सरकार में बैठी, सरकार में बैठे के बाद ये मन आरोप लगाए कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, नरसिम्हा राव जी ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, इसलिए देश पीछे है। ये मन खाली कांग्रेस पार्टी के नेता मल्ला गाली दे के विरोध करके सत्ता में आए के काम करी, तो सत्ता में आए के बाद भी 2014 के बाद भी ये मन देश में घुबरा करे के काम करी। भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि हमारे 15 लाख कहाँ हैं, किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पाई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के युवा रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। महंगाई में महिलाएं लगातार सवाल कर रही, रसोई गैस का 1200 रुपये कीमत हो गया, उसके ऊपर ये जो अडानी ने घोटाला किया है देश के, चाहे LIC की बात करें चाहे SBI की बात करें, उस पर देश की जनता सवाल कर रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो अडानी को बताने के लिए जो हमारे देश का संपत्ति का चोरी किया है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रपंच कर रही है, कभी ED का कभी CBI का, और अब हद पार कर दिए, संसद की सदस्यता समाप्त करने की बात कर दिए। मैं तो मोदी अगर इतने हिम्मती हैं तो राहुल गांधी जी को सदन में रखते और उनके सवाल का जवाब सदन के अंदर देते, ना कि उनके सदन के सवालों को विलोपित करने का काम करते। खड़गे जी और राहुल जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब देश की जनता मांग रही है। इसके कारण नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी डर के कारण राहुल गांधी जी को संसद से निष्कासित किए हैं, दखल करवाए हैं, इसका मैं विरोध करता हूं और हमारी पार्टी इसको लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रही है। सत्याग्रह इसलिए है कि आप देख रहे हैं हमारे जन नायक राहुल गांधी जी सदन में अडानी के घोटाले की आवाज़ उठाए, अडानी के घोटाले की बात की तो उनको बोलने नहीं दिया गया। ये 75 साल में पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं और उनके भाषण को म्यूट कर दिया गया, बंद कर दिया गया। कितने शर्म की बात है, आज देश कहाँ जा रहा है। आज राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं, राहुल गांधी जी महंगाई की बात करते हैं, राहुल गांधी जी रोजगार दिलाने की बात करते हैं, राहुल गांधी जी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता। एक केस में, छोटे से केस में उनको साजिश के तहत बर्खास्त कर दिया गया। ये इसलिए कि राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ कुछ ना बोले और ये अडानी का समर्थन कर रही मोदी सरकार बचाने के लिए। आज देख लीजिए, रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, तेल बेच दिए, एरोड्रम बेच दिए, LIC बेच दिए, बैंक बेच दिए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है और ये सिर्फ एक व्यक्ति को बेच रहे, वो भी अडानी को। इस पे रोक लगाने के लिए राहुल गांधी जी देश की जनता को उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको सदन से बर्खास्त कर दिया गया। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे।